बांग चुने को 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 ओ चो चो कुकर तो गति ओ चो चो ओ चो चो ओ चो चो बाप देखो बाप ओ चो चो क्या चोर पूरा भयंकर खतरा पानी की लार के इनका नाम है विकास पांडे वो निकनेम भी बता रखा है हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त और हम एकदम मस्त है। तो अभी टाइम हो चुका है 10:30, ठीक है, और हम यहाँ से अभी चल रहे हैं। मेरे साथ आगे से मुख्य भाई भी जुड़ेंगे, तो चलिए। तो अभी मैं ठीक जंगलों के बीच में आ चुका हूँ और यहाँ से जाएंगे हम सीधा ललितपुरा ढैया में। और अभी इतनी तेज़ की गर्मी हो रही है ना कि क्या ही बताएं यार। और जब बारिश हो रही है तब लग रही है ठंड, और जब धूप हो रही है तब लग रही है गर्मी। तो एक इंसान में क्या कुछ नहीं सह सकता, ना तो धूप सह सकता है, ना छाव सह सकता है, ना कुछ। बस सुकून की ज़िंदगी। सुकून तो तभी मिलता है जब दुख होता है, तभी सुख होता है। तो अभी यहाँ से चलेंगे, और जब भी हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ से हमें बहुत अच्छे नज़ारे दिखेंगे। तो यहाँ से जब मेहनत करेंगे तभी तो हम ऊपर ढैये में पहुँचेंगे, और ढैये में पहुँचेंगे तो हमें खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे, है ना। तो चले यहाँ से चलते हैं। पहुँच ही गए भाई ऊपर ढैये में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग, तो स्वागत आपके देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों में। तो अभी देखिए इतनी गर्मी हो रही है ना। तो हम पहुंच चुके हैं ठीक ऊपर गोडाले इसी ढेर में, और अभी पूरी धुंध लगी हुई है, इस वजह से मैं यहाँ से कुछ नहीं दिखा पाता। दिखा सकता हूँ यहाँ से वैष्णो देवी मंदिर आपको दिखाई रखा है, मतलब वीडियो में कालिंका मंदिर भी दिखाई रखा है यहीं से। तो यहाँ से आगे से चलते हैं। मेरे साथ मुक्की भाई भी आ चुका है, तो मुख्य भाई आगे चले गया है, वो रुकी नहीं रहा, सीधा भाग जा रहा है, क्योंकि हमको लेट हो चुकी है, 11:30 हो चुका है। तो यहाँ से चल रहे हैं सीधा इन जंगलों के बीच से, और माहौल बिल्कुल ख़राब हो रखा है यार, क्या ही बताएं। और आप मेरे आवाज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कैसी आ रखी है, अच्छी आ रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम है, हमें लेट हो चुकी है यहाँ से जाने में। तो चलते हैं और आपको आगे के दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम फटाफट जा रहे हैं, लेट हो चुकी है। तो चलिए और आपको आगे बताएंगे, हाँ ठीक है, कि हम किस लिए जा रहे हैं, मुक्की भाई के साथ में ही बताएंगे। हालात देखिए कुछ ऐसे हो चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं ठीक ललितपुर स्कूल के सामने। यहाँ पर ये है नीचे स्कूल ललितपुर, और आज स्कूल की छुट्टियाँ, आज क्योंकि हरियाली है यार, हमारे गांव में कल थी हरियाली, मतलब हरियाली जो संक्रांत होती है, तो आज हरियाली यहाँ पर, मतलब छुट्टी पड़ गई थी हरियाली की वजह से। एक मंदिर है शिव भोले का, और इस साइड को देखिए यहाँ पर आज बरत भी होंगे लोगों को। और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन धारा है, जहाँ पर अभी मुक्की भाई पानी पी रहे, मैं भी जाता हूँ यार, 35 लगा मैं पानी पी रहे, और खतरनाक ही पानी, मोटा मोटा पानी आ रहा है। यहाँ से इस साइड को नीचे यहाँ पर किचन है, और यहाँ पर आगे गुरुजी लोगों का कमरे, गुरुजी लोगों के कमरे, और वहाँ पर नीचे देखिए कितना अच्छा ग्राउंड है ना यहाँ पर खेलने के लिए, पर यहाँ पर खेलते होंगे कि नहीं। तो यहाँ से चलते हैं आगे को, और यहाँ से स्कूल के नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और यहाँ पर लोगों की गाय भी आ रखी है चरने स्कूल में, ठीक, ऐसे कैसे लोग हैं ये। ओके गुरुजी, गुरुजी गुरुजी लापत, गुरुजी तो सही नहीं जाएगा, गुरुजी खाना बनाना चाहिए। यहाँ पर गुरुजी लोगों के कमरे, यहाँ नीचे भी है एक कमरा, तो मुक्की भाई अपने गुरुजी लोगों को मिलने जा रहा है, पर उसको यही गुरुजी भी देखने को नहीं आ रहे है ना मुक्की भाई। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ललितपुर मार्केट में, यहाँ पर पप्पू ढैया बोलते हैं यहाँ पर, मुझे तो अच्छे से अभी तक यहाँ का नाम पता नहीं, पर ललितपुर बोलते हैं, ललितपुर का मार्केट है यहाँ पर पूरा। देखिए इस साइड को चारों तरफ, यहाँ पर रही मेरे मामा की दुकान, जो कि यहाँ पर पीछे है, यहाँ पर पूरे सामान मिलते हैं, छोटे मोटे कुरकुरे उरकुरे जूस वूस। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हमें सीधा नीचे को निकलना है।
गया। तो मैं आपको अब बता ही देता हूँ, ये मुक्के भाई रुक ही नहीं रहा, वो सीधा जा रहा है भाई पीछे पीछे। मैं आराम आराम से आ रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते, वैसे वीडियो तो कहाँ बना रहा हूँ पर देखते दिखते आ रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं मुक्की के भाई की सगाई रुकी थी ना परसों, कल परसों आपको दिखाया था, तो वहाँ मतलब हरेला देने। तभी चलते हैं यहाँ से हरेला, आपको यहाँ भी रीति रिवाज होता होगा, एक पुरानी रीति रिवाज आती है जा रही है कि हरेला देने जाते हैं। तभी दोनों के दोनों जा रहे हैं हम, और कोई बोल रहा था कि बल क्या होता है या तो बल ये देवरी जाता है या तो ससुरी जाता है, ये कुछ ऐसे सिस्टम में पता नहीं क्या है। तो देखते हैं, तो यहाँ से चलते हैं सीधा घर को, मतलब उनके घर को। और थकान लग गया मेरे तो, मन भी नहीं कर रहा है, ना मेरा मन कर रहा है कि कहीं पर आराम से बैठ जाऊँ और ठंडा पानी पीऊँ। तो चले फिर भी था मुझे छुपू। तो देखिए मुक्की भाई हमारे साथ, मुक्की भाई बहुत शर्मा रहे हैं यार। देखिए अब मुक्की भाई बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, बता भाई जोर जोर से बोल। अब बोल मैं तो नहीं मानो, अब देखो तुम खत्म से अभी तक इतनी तेज आवाज आने से ना, मैं कहती दूर था तब एक आवाज आने जा। तो इन जंगल के बीच से जा रहे हैं हम अभी, और रास्ता भी बिल्कुल मस्त है, हरियाली हो रखी है ना चारों तरफ, तभी तो हरियाली सगान आ रखी है। होते इन भी आए हम, और क्या छू क्या ची, वो देख 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 वो देख क्या छू क्या ची क्या ची, वो जानवर खतरनाक जरूर। अरे क्या छू और उरे क्या देख जीते लो उरे क्या छू क्यों कहा करना बाग बाग खोक खोक छो वो देखो वो चो चो बाग बड़ो बाग बाग नहीं चेर बाग हमारे को भी आ गया बाग छुटानु बाग छु ना गो 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 ओ चो चो कुकुर तो गो ओ चो चो ओ चो चो वो देख ओ चो चो बाग देखो बाग ओ चो चो क्या छोर पूरा भयंकर खतरनाक करो तो वॉक चल वो खतरनाक और कुकुर कति खतरनाक हो गया भाई तेरी की। अब कुकुर खुल मके थी तेज गया यार भयंकर, कोई ना वाले हैं। तो हम ठीक पहुंचने वाले हैं, अभी हम सीधा गांव के ऊपर ही पहुंच रखे हैं, और यहां पर अभी पता नहीं कुछ था, भाग ही रहा होगा शायद, मैं वहां चले गए उस साइड को, इस साइड को चले गए, और यहाँ से यहाँ के हम पहुँच गए इनके ठीक गांव के सामने, और इनके सारे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा झुंघरा हो रखा है, इतना तो हमारे गांव में घास हो रखी है जो नीचे साइड है, और थोड़े छोटे छोटे झुंघरे जैसे इस खेत में हो रखे हैं उतना ही हो रखा है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो चलिए जी हालत तो ख़राब ही हो चुकी है पर कोई नहीं पहुँच गए। तो हो चुका है, और यहाँ पर अभी लेट रखे हैं मुक्की भाई, वहाँ पर लेटा हुआ देखिए कोई शर्माने चारों लोड़ी का करो छटा करके, अभी जरा आराम करना चाहिए, पर्सनल हालत खराब हुई है। वाईफाई देखिए वाईफाई क्या वाईफाई मुक्की लोड़ भैया ये क्या तरह बता कीचा ये मुक्की उतरो लोन वाई को ये उतरो एक रो मुझे सब भी लगे तो एक ही करते जाने लगा।
तो भाई फाइनली वहाँ से निकल चुके हम घर को और अभी बज चुके हैं 3:30-4 बजने वाले। और मुख्य भाई खैर इसका टाइम ही है, ये अकेले अकेले भाग जा रहा है भाई आगे, ये बहुत गलत कर रहा है। और हमारे साथ अभी तगड़ा वाला सीन हो चुका है। क्या सीन हो रखा है भाई वहाँ पर? भाई किसी की गाय ना इतनी तेजी से भागी कि मुख्य भाई वहाँ सीधा एक गड्ढे में चले गया। तो मुख्य भाई वहाँ सीधा नीचे चले गया था, बट क्या हुआ कि वो ऊपर साइड चले गया, वहाँ गड्ढे में चले गया उसका पैर। और मैं वीडियो बनाने वाला था बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो बहुत तेज़ी रफ्तार बहुत स्पीड से आ रहा था जिस वजह से। और जब मैं पहली बार भी आ रखा था यहाँ पर तो मैंने यहीं से वीडियो बनाने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर मुख्य भाई देखिए ऐसे ही भाग रहा है फटाफट से और मेरे पीछे से आप बता रहे। और एक कुत्ता देखिए हमारे साथ, दो मेहमान जुड़ के, एक तो हमारे साथ आ रखा है वो तो वहाँ पहुँच चुका है ठीक आगे, और दो यहाँ पर से हमारे साथ आ रखे हैं। देखिए बहुत ही खतरनाक है, इसको देख के ना डर भी लग रहा है। कुछ ऐसा गांव दिख रहा है यहाँ पर, कुछ ये गांव है, ये मुझे लग रहा है तकलसारी है। हाँ तकलसारी है, ये नीचे वाले, ये तल्ला है, ये मल्ला है, ये तल्ले वाला है। और वहीं पर इसे रोड भी जा रखी है और एक रोड वहाँ पर है और मुझे लगता है यहीं कहीं देवा मंदिर है। कौन है गांव कौन सा ऊपर वहाँ गांव दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले एक गांव दिख रहा है बिल्कुल जंगल के बीच में बसा हुआ है, पर उसके ऊपर जो ढैया है ना वो चोटी बिल्कुल मस्त जगह में है, वहाँ जाना पड़ेगा कभी। मैंने पहले दिन भी बोला था शायद में वीडियो में, इस बार भी बोल रहा हूँ कि जाएंगे तो वहाँ पक्का जाएंगे। अगर चैनल मोनिटाइज हो गया, आपका अच्छा सपोर्ट रहा, प्यारा सपोर्ट, तो हम ज़रूर जाएंगे, आपको हर एक जगह घुमाएंगे, मतलब हम भी घूमेंगे आपको भी घुमाएंगे। तो चले और मुख्य भाई देखिए वहाँ पहुँच गया और उसको फिर से लग चुकी है गर्मी, ये देखिए। और कुत्तों की याद कर रहा हूँ, 3 कुत्ते लेके जा रहा हूँ साथ में। कि सारे बिल्कुल मस्त हो रखे हैं, अभी हमारे यहाँ मंडुआ भी नहीं हो रखा है ढंग से और यहाँ पर सभी लोग मंडुए की गुड़ाई कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे हो रखे हैं मंडुए की खेती और बिल्कुल मस्त है यहाँ पर। और एक कुत्ता वहाँ पर रखा है, एक को मुक्की बुला रहा हूँ, नीचे चले गया था वहाँ और हाँ ये देखिए वो आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देखिए इस खेती को देखिए बिल्कुल हमारी साइड जैसे हैं बड़े बड़े खेत इस साइड में। और वहाँ पर जो गाँव दिख रहा है ना उसी के नीचे बॉन्ड है, बॉन्ड रसिया महादेव बोले तो। और कुत्ता भी आ चुका, बोटे ए बोटे उलू। हमारे देखिए तीन दोस्त आ रखे हमारे साथ, एक ये रहा, एक और रहा, एक वहाँ पर पहुँच चुका है देखना लाप, ओ देखिए हो रहा। तो चले फिर अब आगे को चलते हैं, अब घर की तरफ चलते हैं। देखिए एक गांव है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, दिबोली, और उसके उधर बंदरखोट, उसके उधर क्या बोलते हैं बोला ये गाँव, इसके पीछे जो मरखोल है वहाँ पर क्या बोलते हैं पता नहीं कौन कौन से गांव, मैं तो भूल गया हूँ। यहाँ पर मेरी दीदी का ससुराल है जो घर की यहाँ पर है, ये रहा गांव। तो यहाँ पर है मेरी दीदी का ससुराल और वहाँ पर बंदरकोट, वहाँ पर है क्वाठा गांव, वहाँ पर बंदरकोट, वहाँ पर क्या बोलते हैं, अरे मैं तो गांव भूल रहा हूँ बार बार, मैं तो नहीं चाह रही तरफ बारे में जानकारी, पर यू पता मैं तो खडर मतलब दिबोली और बंदरकोट से और मुरखुआ से और इस पार क्वाठा। और वहाँ पर कालिंका माता का मंदिर भी दिख रहा है जो कि अभी यहाँ पर कोरा ही कोरा लगा हुआ है तो इस वजह से दिख नहीं रहा। तो यहाँ से चलते हैं अब घर को इस साइड को, यहाँ पर रास्ता भी बिल्कुल मस्त है यार, खड़ी चढ़ाई और गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है ना। शायद में पानी से चलते हैं, देखिए वही पानी दोबारा वहीं जाके वहीं से दोबारा वहीं आता है।
कुछ ऐसा सीन है, देखिए बिल्कुल आवाज़ करता है, हमारे गांव तक पूरी आवाज़ सुनाई देती है इसकी। ये बहुत पुरानी चक्की है यहाँ पर साहिल में, क्योंकि पानी से चल रही है, अब बाकी तो बिजली से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, पर ये अलग ही है। ललितपुर स्कूल के सामने पहुंच चुके हैं वापसी में, और मेरे साथ मुक्की भाई है। मुक्की भाई ने यहीं से पढ़ा है, तो मुक्की भाई यहाँ से सारे कमरों के बारे में बताएंगे। क्यों मुक्की भाई? बोला बोला वो 10 क्लास है, ये 9 क्लास है, ये गृह विज्ञान चल रही है, ये 8 अच्छा है, 6 अच्छा है, अपार ये लैब से 11 का है, और 7 का और बगल में 12 वो ऑफिस में तल रहा हूँ, तल रहा हूँ पूरा ऑफिस, वो स्टाफ रूम जो सेट है ये ऑफिस की प्रिंसिपल है हर बार ये मैं नया छत्र बनी ना सर, और वो मैं उतरू में जो ऑफिस है मेरी पूरा नया बनी जब वो भी नया पेंट है, नया करी दीवार वगैरह नहीं चढ़ी सब नहीं दीवार नहीं चढ़ा तुम्हारा थोड़ी सर है ये इनार थोड़ी सर है आई खिड़की भी तुम्हारा थोड़ी जी नया बनी जब को दीवार ना दीवार और गेट बनी तल रहा कुछ प्रिंसिपल है और बाकी गुरुजी की गुरुजी सब कदी गुरुजी चेक कर लो टोटल में नहीं मालूम मेरा वहां टाइम पता है 12 13 का अब बस अकोला अंतर में बैंकर हां तो मैं 12 13 का या 25 लेडीज 15 20 लेडीज में कोई टीचर ये अरे नहीं टेक नहीं दिन और तुम लुकना जगह को जा लुकना जगह ही को जा अच्छा ये डे भाई और हर ग्रेट गोल करना है ग्रेट गोल क्या करना है भाई गायब है ये मंदिर चल जाएगा अच्छा ये साइड है सही सही है अरे कुत्ता ये कुत्ता ये तो समझ लो अपन दिया जाना ये दिया क्या की बहन जाना मेरा बहुत ये पानी पानी की लार के इनका नाम है विकास पांडे ठीक है ना मुक्की भाई? मुक्की भाई ने बताया मुझे उनका निक नेम भी बता रखा है पहुंच चुके हम ठीक अपने गांव के सामने और अब पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही रह रखा है यहाँ से, तो इतनी गर्मी हो रही है ना, और हमारी साइड में ना बिल्कुल ठंडी हो रही है, उस साइड में थोड़ा गर्मी सी हो रही थी, तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पर देखें हमको मोलचू मिल चुके हैं भाई, बहुत ही मस्त मस्त लग रहे हैं ना।